छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फिर से एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जहां पे दोस्तों लगभग लगभग ये जो वैकेंसी है वो 2,500 पोस्ट का होने वाला है, जिसमें 1,715 पोस्ट महिलाओं के लिए और 500 पोस्ट पुरुषों के लिए यहां पर आरक्षित की गई हैं। रहे क्या है, कौन सी परीक्षा कहाँ पे होगी, सारी जानकारी बस इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। विज्ञापन आ चुका है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जो नगर सेना के स्वयंसेवी पुरुष एवं महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित जिले के जो मूल निवासी हैं, जो जिनका मूल निवासी हैं जो छत्तीसगढ़ के, उन्हीं के लिए ये होगा, उन्हीं उम्मीदवारों को इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए है। और सही बात बता दें यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों वो 10/7/2024 से स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 10/8/2024 तक का रहेगा। त्रुटि सुधार के लिए 17/8/2024 को आपको पोर्टल ओपन होगा, उसमें आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपने जो भी नाम गलत हुआ है, जो भी फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ आपने मिस्टेक की है, उसको यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं 17 तारीख को, ठीक है। मात्र आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 महीने का पूरा समय दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पे बता दें कि रिक्त पदों का वितरण, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में, जहाँ पे रिक्त पदों का वितरण दोस्तों 500 पदों एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए दोस्तों जनरल ड्यूटी हेतु जनरल ड्यूटी रहेगा आपका, ठीक है। इनमें जो महिलाएँ होंगी उनके लिए दोस्तों आरक्षण रहेगा 30% इन सीटों में, ठीक है, 500 पदों के लिए। और वहीं दोस्तों 1715 पद जो है महिला नगर सैनिकों के लिए और महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत तथा छात्रों के आवासीय स्थानों में नियुक्त हेतु ये सब रहेंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उपयुक्त जितने भी विज्ञापन हैं इन सबका और भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट पर, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, ठीक है। तो जाइए और फटाफट से अपना ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से भरिए, सारे डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो कमेंट करके बताइए कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं वो ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं भी होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका लिंक डॉक्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ लिंक पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं पकड़ के आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी मेथड, जो प्रोसेस, जो भी फीस चार्ज जो भी लगता है वो सारी चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि आप निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपडेट्स है दोस्तों, तो अभी तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सैलरी वगैरह की बात नहीं की गई है, आने वाले अपडेट्स के लिए इस आपको वेबसाइट को फॉलोअप करना पड़ेगा। और खैर जो भी अपडेट आएगा हमारे इसी चैनल पर आएगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।